गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भजनपाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, गद्य खंड के अंतर्गत जो हमारा प्रकरण चल रहा है वह है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। आइए चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। यहाँ पर कवि ने पूर्व दिशा को एक सुंदर रूपवती स्त्री की उपमा दी है, अर्थात यहाँ पर उन्होंने पूर्व दिशा को एक स्त्री कहा है। ये कहा है कि इस समय पूर्व दिशा बहुत सुंदर लग रही थी, वह हँस सी रही है। वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। यहाँ पर कवि यह कहना चाहता है कि वह एक तरह से चंद्रमा का उपहास उड़ाती है। पूर्व दिशा चंद्रमा का उपहास उड़ाती है और यह कहती है कि जब तक चंद्रमा पूर्व दिशा में था तब तक इसका बहुत विकास हुआ, तब तक इसकी चमक खूब बढ़ी, लेकिन अब जब यह मुझे छोड़कर पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की तरफ जा रहा है तो इसकी चमक ही समाप्त नहीं हुई है बल्कि इसके विकास का भी अंत हो गया है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा सी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं है। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अस्त होने के कारण उसका बिंब तो लाल है पर किरणें उसकी पुराने कमल के नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफ़ेद हैं। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि जो पूर्व दिशा रूपी स्त्री पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के पास जाने के कारण चंद्रमा का हंसी मजाक उड़ा रही है, चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की बिल्कुल भी परवाह नहीं है बल्कि वह तो अपने ही रंग में मस्त है, अर्थात वह तो अपने ही मौज में मस्त है। अब जो समय है ऐसा समय है कि चंद्रमा अस्त होने वाला है, उस समय उसकी स्थिति ऐसी है कि उसका बिंब लाल है लेकिन उसकी किरणें अभी भी सफ़ेद हैं, अर्थात चंद्रमा ना तो पूरी तरह से लाल हुआ है और ना ही पूरी तरह से सफ़ेद है। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे कुछ कुछ लाल भी है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यद्यपि चंद्रमा अभी इस समय सफ़ेद है लेकिन वह बिंब की अरुणता के कारण अर्थात लाल रंग के कारण वह कुछ कुछ लाल भी है। कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिमी दिग्वधु का श्रृंगार सा कर रहा है। कहते हैं कि इस समय चंद्रमा का रंग ऐसा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुमकुम में लाल रंग के कुमकुम में सफ़ेद चंदन को मिला दिया गया हो और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वह पश्चिम दिशा रूपी वधु का श्रृंगार कर रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा मल रहा है। पूर्व दिग्वधु के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, अर्थात वह तो पश्चिम दिशा रूपी स्त्री को प्रसन्न करने में, उसे खुश करने में लगा हुआ है, उसे पूर्व दिशा के उपहास की कोई भी प्रभाव नहीं है। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। यहाँ पर कमल के फूल और कुमुद के फूल दोनों के विपरीत स्वभाव को दर्शाया है, क्योंकि कमल का फूल दिन के समय खिलता है और रात्रि के समय बंद हो जाता है और जबकि कुमुद का फूल रात्रि के समय खिलता है और दिन के समय बंद हो जाता है। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, अर्थात दोनों की स्थिति एक समान नहीं होती है, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता अर्थात समानता, सुबह के समय दोनों में समानता देखी जा सकती है। कुमुद
बंद होने को है पर अभी पूरे बंद नहीं हुए हैं, और उधर कमल खिलने को हैं पर अभी पूरे खिले नहीं हैं। एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर अर्थात भंवरे, सो अभी दोनों ही पर मंडरा रहे हैं और गुंजा रव के बहाने दोनों ही की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। गुंजा रव अर्थात अपनी गुंजार की ध्वनि के। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं, समता अर्थात समानता को प्राप्त हो रहे हैं। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय वह बहुत ही लावण्यमय था, लावण्यमय अर्थात सुंदरता से युक्त था। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई, दीप्ति अर्थात चमक। वह ठहरा रसिक, रसिक अर्थात छलिया। उसने सोचा यह इतनी बड़ी रात यों ही कैसे कटेगी, लाओ खिली हुई नवीन कुमुदनियों, कुमुद के फूलों से या कोका बेलियों के साथ हंसी मजाक ही कर लें। अतएव वह उसकी शोभा के साथ हास परिहास अर्थात हंसी मजाक करके उनका विकास करने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वह थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया। कर अर्थात उसके किरण जाल सशस्त्र अर्थात स्थिर हो गए, अर्थात वह थक गया। इससे वह दूसरी दिगंगना, दिगंगना अर्थात दिशा रूपी स्त्री, अर्थात दूसरी स्त्री, पहली स्त्री कौन थी पूर्व दिशा और दूसरी स्त्री कौन हो गई पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा। वह शायद, यह शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जगे हैं, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाएं।